सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम खड़े हैं किया के शोरूम पर। मतलब 16 लाख रुपए जब आपके पास होते हैं और आपको ऐसी कोई गाड़ी लेनी होती है जो मतलब दिखने में बड़ी हो या विजिबिलिटी इसकी ज़्यादा हो या मतलब डायमेंशन थोड़ी बहुत ज़्यादा हो, तो मतलब आप उसकी किया की कैरेंस की तरफ जा सकते हैं। किया ने अपनी नई कार लॉन्च करी जिसका नाम है किया की कैरेंस। अभी आपके सामने खड़ा है इसका टॉप मॉडल जो कि डीजल में है और ये मैनुअल वेरियंट है। अगर इसके बेस मॉडल की बात करी जाए तो इसका बेस मॉडल आपको 8 लाख के लमसम पड़ता है, जो कि आपको 10 लाख का ऑन रोड जाके पड़ जाएगा जो कि पेट्रोल में होगा। और जो अभी जो वेरिएंट आपके सामने खड़ा है वो डीजल का टॉप मॉडल है, जो डीजल का टॉप मॉडल जो मैनुअल में आता है। अब मतलब अगर उसकी कीज की बात की तो कुछ ऐसी देखने को मिलती है। इसकी की ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा लॉक प्लस नीचे अनलॉक, नीचे आपको देखने को मिल जाएगा होल्ड का बटन और इससे आपकी डिग्गी खोलने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर सामने से देखी जाए गाड़ी तो कुछ कुछ अगर आपको मतलब वाइब लेनी हो तो मन कह सकता है बड़ी वैगनार की तरह लगती है आगे से। और अगर इसको नीचे से देखूंगा, नीचे से देखने पे कुछ ऐसी मतलब नीचे से आपको क्रोम गार्निश दी है, प्लस अगर सामने से की तरफ मैं जाता हूँ तो इधर आपको देखने को मिल जाता है इसका LED DRL, प्लस इसी में आपको इंटीग्रेटेड देखने को मिलता है इंडिकेटर। नीचे की तरफ अगर आऊँगा तो नीचे आपको देखने को मिलेंगे LED का बड़ा सा एक यूनिट जो कि 3 चैम्बर में बटा हुआ है। और ऊपर की तरफ बढ़ता हूँ तो ये जो इसकी ये चीज़ें पूरी की पूरी आपको ग्लॉस देखने को मिलेगी, ग्लॉस कह लीजिए या तो पियानो ब्लैक कह लीजिए। प्लस इधर जो आप देखते हैं तो थोड़ा मतलब ना आपको ट्रायंगल सा मतलब एक पैटर्न सा देखने को मिलेगा। इधर आपको मिलती है क्रोम गार्निश देखने को, बड़ा सा किया का लोगो जो कि नया वाला लोगो है। अगर नीचे से बात करता हूं तो नीचे से कुछ ऐसे देखने को मिल जाते हैं इसके फॉग लैंप जो कि मतलब काफ़ी मतलब अंदर से बना है। मतलब इधर से आप देखोगे ना तो आपको फॉग लैंप ऐसे दिखेंगे नहीं आसानी से। और फिर थोड़ी इधर की तरफ पड़ता हूं तो एक चीज़ इसमें अच्छी देखने को ये मिलेगी, आप इसमें फ्रंट में भी आपको सेंसर देखने को मिले हैं, एक सेंसर उधर एक सेंसर इधर और एक सेंसर उधर और एक सेंसर इधर, उधर 4 सेंसर आपको टोटल देखने को मिल जाते हैं। साइड से अगर बात करी जाए तो साइड से कुछ ऐसी देखने को मिलती है आपको गाड़ी। से अगर मतलब आप लेफ्ट साइड से देखते हैं कुछ ऐसी देखने को मिलती है आपको गाड़ी। अगर डायमेंशंस की बात करी जाए तो गाड़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिखती है। अभी मतलब जो फ़ोन है वो वाइड एंगल पर लगा हुआ तब भी आपको इतनी बड़ी गाड़ी देखने को मिल रही है। प्लस अगर मैं इसके आगे की तरफ जाता हूँ तो आगे आपको देखने को मिल जाता है इसमें 16 इंची का व्हील जिसमें आपको देखने को मिलेगा डिस्क ब्रेक, और इधर आपको किया का इंटीग्रेटेड लोगो देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ अगर मैं बढ़ता हूँ तो पीछे भी आपको देखने को मिल जाता है 16 इंची का व्हील, जिसके साथ आपको एक अच्छी चीज़ ये है इसमें पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं जो काफ़ी गाड़ियों में आज भी नहीं आते। और इधर की तरफ अगर मैं बढ़ता हूँ तो ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे डोर हैंडल पर आपको देखने को मिल जाता है ढेर सारा क्रोम। थोड़ा सा अगर ऊपर मैं बढ़ता हूँ तो इधर भी देखने को मिल जाती है मेरे को डोर गार्निश जो कि मतलब काफ़ी अच्छी है, पूरी एंड टू एंड बॉडी से यहाँ तक आई है। और एक बड़ा ही खास फीचर इसमें देखने को मिलता है, मतलब इतनी दूर अभी गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी अभी लॉक्ड है, और मतलब जैसे ही मैं इसके पास जाता हूँ चाबी लेके तो इसके जो मतलब ये जो ORVM होते हैं ये अपना आप ही कुछ ऐसे खुल जाते हैं। मतलब ये काफ़ी स्मार्ट सी चीज़ देखने को मिली, मतलब एक अच्छा फीचर लगा मेरे को गाड़ी में, अभी मैंने नोटिस कराई। और अगर सामने से देखता हूँ तो सामने देखने को मिल जाता है आपको विंडशील्ड के ऊपर सेंसर जो कि ऑटोमेटिक वाइपर के लिए दिए गए हैं। अगर बात करता हूँ इसकी अंदर से कि अंदर से गाड़ी आपको कैसी देखने को मिलती है तो चलिए शुरू करते हैं। डोर को खोलने के लिए यहाँ पे दिया गया हुआ बटन दबाती गाड़ी दो बार हॉर्न दबाती, प्लस इंडिकेटर चलते हैं और आपका डोर अनलॉक हो जाता है। अगर डोर की तरफ मैं बढ़ता हूँ तो कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है इसका डोर। इधर से बात करता हूँ तो थोड़ा सा लेदर दिया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा सॉफ्ट टच दिया हुआ है। इधर आपको सारे विंडो से कंट्रोल मिल जाएंगे। थोड़ी अगर ऊपर बढ़ता हूँ तो इधर आपको सिल्वर इंसर्ट में देखने को मिल जाता है इसका पैनल जो कि ऊपर एंड तक यहाँ पे आया। इधर आपको देखने को मिलती है ट्विटर की प्लेसिंग, प्लस अंदर से कुछ ऐसा लगता है गाड़ी का इंटीरियर। अभी गाड़ी पूरी पैक है क्योंकि गाड़ी बिल्कुल अभी उतरी है ट्रक में से, बिल्कुल न्यू गाड़ी अभी गाड़ी है इसलिए यहाँ पे ये उतरी हुई। अगर बात करता हूँ इधर से तो आपको पियानो ब्लैक देखने को मिल जाती है फिनिशिंग, प्लस इसमें आपको पैटर्न भी देखने को मिलेगा। इधर आपको देखने को मिल जाता है कार्ड वार्ड रखने के लिए, जैसा आपका कार्ड वार्ड है आप इसमें आराम से कुछ रख सकते हो अपना। सीट्स की अगर बात करता हूँ तो इसमें देखने को मिल जाती है वेंटिलेटेड सीट जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है इस हिसाब की गाड़ी में। बट एक चीज़ मुझे थोड़ी अजीब सी लगी, मतलब या कॉस्ट कटिंग कह लो, इस गाड़ी में आपको देखने को नहीं मिलती ऑटोमेटिक सीटें। कोई बात नहीं, पर गाड़ी काफ़ी अच्छी है, मतलब ऐसा कोई यूज़ वाले फीचर तो है नहीं। इधर आपको बड़ी अच्छी चीज़ देखने को मिल जाती है जो कि है बोस का साउंड सिस्टम, जो कि मतलब एक स्पीकर बोस का आता है हमारा वो मान के चलो 27,000 रुपये का, और ये आपको इसमें पूरी गाड़ी में बोस का साउंड सिस्टम देखने को मिलता है। और बल्कि इसमें देखने को मिल जाते हैं 8 स्पीकर जो कि बोस कंपनी का आपको प्रोवाइड होंगे। और जो उस गाड़ी की चीज़ मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज़ लगी, मतलब पीछे वाले अगर आप लेफ्ट साइड से जाते हो तो इसमें वन टच देखने को मिल जाती है टंबल सीट जो कि मतलब काफ़ी अच्छी। यहाँ पर आपको देखने को दिया है एक बटन, आप इसे वैसे ही प्रेस करेंगे जैसे और को आपकी कोई गाड़ी होती है ना इनोवा, उसमें ऐसा करके उठानी पड़ती है, उसमें कोई मतलब इतने एफर्ट्स इसमें आपको नहीं डालने पड़ेंगे। आप इसको एक बार टच करते ही मतलब कितनी आसानी से सीट आपकी पूरी फोल्ड हो गई है, एक मिनट में आपको सीट फोल्ड हो गई है और आप इससे पीछे जा सकते हो। और अगर डोर की बात करी जाए तो डोर्स में आते हैं आपको सनलाइट वाले कर्टन जो कि कंपनी स्टॉक से ही देती है। अगर आप इसके राइट साइड में पीछे से आते हैं तो इसमें मतलब एक काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मेरे को मिली जो मतलब मुझे लगता है पहली बार ही आई है, मतलब जो इसका एयर प्योरीफायर है वो आपको पीछे देखने को मिला। ये पीछे इतना बड़ा लगा हुआ है, मतलब ये पूरा एक यूनिट है, प्लस ये जो इसकी इतनी चीज़ें ये पूरी टच स्क्रीन आपको देखने को मिलती है। और अगर आप ऊपर की तरफ देखते हो तो इधर आपको देखने को मिल जाते हैं AC के वेंट्स, जो अगर पीछे वाले जो पैसेंजर बैठे हैं उनके लिए भी आपको पीछे को देखने को मिले हैं AC के वेंट्स, प्लस साथ ही साथ उधर आपको लाइट भी देखने को मिल जाएगी, एक लाइट उधर एक लाइट इधर और एक लाइट आगे। प्लस
आगे देखने को आपको मिल जाएगा एक बड़ा सा सनरूफ। और अब आ चुका हूँ मैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी का कुछ अंदर से देखने पे कैबिन ऐसा लगता है, इधर आपको देखने को मिल जाता है एक डी कट में, थोड़ा डी है। इधर आपको क्लियरेंस की बेजिंग मिल जाती है, प्लस एयरबैग की बेजिंग इधर मिल जाती है। आपको सारे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल इधर देखने को मिल जाते हैं, प्लस क्रूज कंट्रोल का आपको ऑप्शन इधर मिल जाता है। अगर बात करी जाए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो 8 इंचेस का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा, जो कि बटन आपका प्रेस करते ही, अगर मैं यहाँ से आपको बटन प्रेस करता हूँ तो कुछ ऐसा ब्राइट अप होता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इधर देखने को मिल जाता है आपको आरपीएम, इधर देखने को मिल जाएगी आपको स्पीड, प्लस आपको बीच में देखने को मिलती है लो फ्यूल की वार्निंग। और अगर इधर बात मैं करता हूँ तो इधर देखने को मिल जाता है गाड़ी का इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि 10.25 इंचेस का है। अगर टच रिस्पॉन्स की बात करी जाए इसकी, तो अच्छा टच रिस्पॉन्स है गाड़ी का, मतलब कोई ऐसा बेकार रिस्पॉन्स नहीं काफी। तो इधर देखने को मिल जाएगा 6 स्पीड गियर, जो कि मतलब एक मैनुअल ट्रांसमिशन है। प्लस अगर आगे थोड़ा बढ़ता हूँ तो इधर देखने को मिल जाएगा आपको वायरलेस पैड, जो कि आप अपना अपना कोई भी एक्सेसरीज वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं। ये आपको इधर बटन दिया है पार्किंग वाले आगे वाले सेंसर के लिए, प्लस इधर आपको दिया है आगे का व्यू देखने के लिए, इधर आपको वेंटिलेटेड सीट के ऑप्शन, इधर दिया हुआ एक यूएसबी पोर्ट, प्लस इधर दिया हुआ 12 वोल्ट और 120 वोल्ट का मतलब चार्जिंग सॉकेट, प्लस इधर दिया हुआ टाइप सी केबल लगाने के लिए एक सॉकेट। ईवीएम की बात करी जाए तो इसमें ऑटो डिमिंग ईवीएम आता है, प्लस इधर मिल जाएगी एसओएस की बैजिंग, जो कि आप एसओएस में काम कर सकते हो। और आपको इधर अगर कोई भी मतलब आपका कोई मसला वसला हो जाता है या गाड़ी खराब हो जाती है, तो आप इसे बटन दबा के अपने ट्रक भी मंगा सकते हैं। किया कनेक्ट का ऑप्शन आपको इधर से देखने को मिल जाएगा। और इधर दिए हुए सनरूफ कंट्रोल, अगर मैं इसको पीछे बढ़ाता हूँ तो ऐसे करके खुल जाती है आपकी सनरूफ, मतलब काफी अच्छी सनरूफ है, मतलब थोड़ी सी और खुलती है। और इधर आपको देखने को मिल जाएंगे लाइट वाले बटन, जो कि एक एलईडी यूनिट दिए हुए हैं, दो छोटे छोटे काफी अच्छे लग रहे हैं। इधर आपको देखने को मिल जाएगा सनग्लास होल्डर, इधर आपको देखने को मिल जाएगा माइक। सनसेट की बात करता हूं तो इधर देखने को मिल जाता है आपको सनसेट, यहां पे मिरर है। और प्लस इधर बात करता हूं इस वाले सनसेट की, तो इधर आपको कोई भी मिरर देखने को नहीं मिलेगा, यहां पे आपको टूल रिसेट देखने को मिलती है। आप यहां पे अपने टूल रिसेट बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर पीछे से मैं बात करता हूं तो सब पीछे बैठते ही आपको मतलब एक जो काफी अच्छी चीज मुझे लगी इस गाड़ी का, लेगरूम की अगर बात करी जाए तो काफी ज्यादा इसमें लेगरूम देखने को मिलता है। मतलब सीट देखो कहाँ पे, इतनी आगे सीट है, इतनी आप बैठो, कितने भी खुल के अगर ऐसे भी करके बैठोगे ना, अगर फेस अगर बिल्कुल भी पीछे चला जाएगा तब भी आपके पास अच्छा खासा लेगरूम मिलेगा। पर और इधर देखो ये कितना प्यारा लग रहा है, ये काफी अच्छा है, मतलब टच स्क्रीन है। हाँ ये, हाँ ये टच स्क्रीन है, देखो देखो टिंग टिंग करके आवाज करता है, टच स्क्रीन है। इधर आपको देखने को मिल जाएंगे रियर एसी वेंट के कंट्रोल, प्लस नीचे देखने को मिल जाते हैं टाइप सी दो यूनिट। इधर आपको देखने को मिल जाएगा बॉटल होल्डर। और थोड़ा सा अगर मैं बात करता हूँ इस साइड में मतलब आपको कोई भी, ये एक फिल्टर तो यहाँ पे लगा हुआ है, इधर भी थोड़ी देंगे। प्लस इधर आपको देखने को मिलेगी ये, हाँ यहाँ पे कुछ लगाने के लिए इन्हें दिए, जैसे आप कोई भी अपनी स्लिप विलिप रख सकते हो। और ये एक ट्रे दी है खाना वाना खाने के लिए अभी। और अगर बात करी जाए इसकी हुड की तरफ की, तो इसमें देखने को मिल जाता 1500 सीसी का दमदार इंजन, जो कि 113 पीएस की पावर देता है, प्लस साथ ही साथ आपको देता 240 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और अगर इसकी मैं बात करता हूँ बोनट की तरफ की, बोनट की तरफ को आपको देखने को मिल जाएगा एक मैनुअल ऐसे करके आपको सरिया टाइप का, मतलब कोई भी ऑटो वो स्टड्स नहीं दिए हैं। और प्लस इधर मैं अगर बात करता हूँ, ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, मतलब और कंपैरिजन करा जाए किसी भी दूसरी गाड़ी से, सुजुकी वुजुकी से, तो इधर मतलब ये जो देख रहे हो इसकी पैडिंग, ये बिल्कुल ही मतलब ना फिनिशिंग जो इस पैडिंग की बहुत ही अच्छी पैडिंग, मतलब आज तक मुझे ऐसी किसी गाड़ी में पैडिंग देखने को नहीं मिली, तो मतलब एक लाइक बनता किया को इसके लिए। और अगर बात करी जाए कार के पीछे से लुक की, तो पीछे से कुछ ऐसे देखने को मिल जाती है आपको किया की कैरेंस। अगर आप सामने से बढ़ते हैं तो इधर आपको देखने को मिल जाएंगे इसके डिफॉगर, इधर देखने को मिल जाता है आपको इसका वाइपर, एक बड़ी सी लाइट आपको इधर से देखने को जाती है, मतलब जैसे पूरी आगे किया सेल्टस में जैसे जलती है, यहाँ पे पीछे ऐसे जलती है। एक बहुत ही बड़ा, मतलब हाथ में भी नहीं आ रहा इतना बड़ा किया का लोगो देखने को मिल जाएगा। नीचे मिल जाता है ढेर सारा क्रोम, प्लस इधर आपको देखने को मिल जाती है कैरेंस की बैजिंग, प्लस इधर TGDI का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे पीछे से भी देखने में काफ़ी शार्प सी आपको गाड़ी देखने को मिलेगी, मतलब अच्छी खासी शार्प, देखो कितनी शार्प लग रही है देखने में, कोई भी मतलब ऐसी लुक नहीं आ रही कि काफ़ी बॉक्सी सी गाड़ी, काफ़ी शार्प सी आपको देखने को पीछे से वाली मिलने वाली है। अगर बात करी जाती है इसकी बूट स्पेस की, तो इसमें बूट स्पेस जो है वो 214 को देखने को मिल जाता है। और अगर आप इन सीट को फोल्ड कर देते हो तो आपको 545 का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, जो कि बिल्कुल ही फ्लैट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, अगर जब उस वाली आगे वाली थर्ड रो को भी आप बिल्कुल ही फ्लैट कर देंगे तो आपको 1000 प्लस का आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। इसमें तो मतलब एक छोटी मोटी क्विड आप इसके अंदर बिठा सकते हो। पीछे लगा हुआ एक बोश का वूफर, जो कि मतलब 8 इंच का लग रहा है मुझे, 8 इंच का होगा पीछे एक बोश का 8 इंच का वूफर देखने को मिल जाएगा। इधर देखने को मिलती है एक लाइट। और अगर इधर देखूं तो मैं इधर आपको देखने को मिल जाएगा कुछ भी लटकाने के लिए, आओ थैली वैली लटकानी तो आप इधर लटका सकते हो। इधर सीट बेल्ट देखने को मिली है, प्लस अगर पीछे से बात कर ली जाए स्टेपनी की, तो स्टेपनी आपको उसको नीचे देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पे ऐसे करके लगी हुई है। प्लस इधर आपको सारे टूल्स वूल्स इधर किया के रखे मिल जाएंगे, उधर आपको किया की फर्स्ट एड देखने को मिलेगी।
सो डेट्स इट, यही थी किया की कैरेंस। अगर आपके पास 16 लाख रुपए तक हो रहे हैं और आपको कोई ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि मतलब एक 7 सीटर हो, प्लस दिखने में काफ़ी अच्छी हो, फीचर वाइज अच्छी हो, और आपको जो कंपनी चाहिए, ब्रांड चाहिए, तो आप किया की कैरेंस की तरफ जा सकते हैं। 16 लाख की कुछ आपको टॉप मॉडल डीजल देखने को मिलेगी। अगर आप इसके पेट्रोल की बात करते हैं बेस की, तो 8 लाख से शुरू हो जाता है और 10 लाख का वो आपको ऑन रोड देखने को मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।